क्या चार्ज होगा? दो पोटेशियम जुड़ेंगे, टू टू नेगेटिव, माइनस होगा ना, तभी दो पोटेशियम जुड़ेंगे, तो निकल वाले पार्ट पे टू माइनस है, पर यहां तो निकल वाले पार्ट पे जीरो था, शुरू में तो निकल वाले पार्ट पे जीरो था, तो निकल वाले पार्ट को टू माइनस कौन बनाएगा? क्या निकल बनाएगा? निकल पे तो टू प्लस चार्ज है, उसको माइनस कौन लेके जाएगा? माइनस जी सीएन तो तुम्हें कितने सी एन चाहिए होंगे कि निकल के टू प्लस के होते हुए भी चार्ज टू माइनस हो जाए? चार चाहिए होंगे। तो ये हुआ आपका फॉर्मूला। एन आई के साथ अगर मोर एच के सी एन डाल दें, दो तो उससे पहले लगे हुए थे, दो और डाल दें, टोटल सी एन कितने कर दें भाई? चार कर दें, तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा बोलो भाई? माइनस टू, दो, माइनस टू वाले के साथ पोटेशियम कितने लगेंगे? ठीक ये है डी का फॉर्मूला। सही है भाई जी। उषा भाई दीदी सही है। जरा बताएं, ई भी इसी लॉजिक से सॉल्व होगा। ई में पोटेशियम कितने हो गए? फिर आपने के टू एन आई सी एन फोर के अंदर मजीद के सी एन डाला, मजीद के सी एन डाला, तो फिर बोल रहे हैं वो तीन के लग रहे हैं। तीन के का मतलब क्या हुआ? ओवरऑल अगले वाले पे कितना चार्ज हुआ? प्लस थ्री होगा तो माइनस थ्री होगा, माइनस थ्री। तो माइनस थ्री उसको कौन करेगा? माइनस थ्री उसको करेगा सी एन, कितने? सी एन कितने सी एन माइनस माइनस थ्री नहीं करेंगे करेगा जी? कितने थे सी एन उसको माइनस थ्री करेंगे? तीन, जी तीन करेंगे शायद तीन। अबे चार ने तो माइनस टू किया था ऊपर, अबे अच्छा दो अच्छा दो सी एन ने जीरो किया था। ये देख भाई, कितने सी एन ने जीरो किया था? ओके, एक मिनट, माइनस थ्री हुआ, निकल का माइनस तो चार्ज देख भाई। अच्छा मैं फाइव फाइव होगा। ई फाइव होगा, ये फॉर्मूला दिया हुआ है पीछे नीचे ई का। सही भाई, हो सही गया है। सॉल्व? किसी और बच्चे ने तो ये सवाल नहीं पूछा था, वो भी देख ले चैट में, जरा मैं देख लूं। 59 कोई और तो नहीं पूछ रहा था जी? खुशबक ने पूछा है। खुशबक आपको क्लियर हो गया है, और शुमाइल फातिमा आपने भी 59 सी पूछा है, आप दोनों को क्लियर हो गया ये? जी खुशबक, जी खुशबक जरा माइक अनम्यूट करें, कहाँ रह गई आप? जी सर, क्या समझ नहीं आया इसमें बेटा? सर आवाज कट रही थी इस वजह से आई मिस्ड सम पार्ट ऑफ इट। यहां पर शुरू में निकल का चार्ज कितना है बेटा NiSO4 में? टू प्लस पीपीटी निकल में, निकल जिसका चार्ज टू प्लस है, उसमें आपने सी एन माइनस डालें, कितने सी एन माइनस डालेंगे कि पीपीटी बन जाएंगे? टू, NiCN2 हो गया इसका फॉर्मूला सी का। सही है, जी अब NiCN2 पे कितना चार्ज है, जीरो, उसमें मजीद आपने क्या डाला? केसीएन तो उसमें के दो लग रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट में के दो लग रहे हैं, तो इसका मतलब है एनआई का जो सीएन के साथ फॉर्मूला है उसका चार्ज टू माइनस हो चुका होगा। टू माइनस हो चुका होगा तभी तो दो के लगे। टू माइनस वो तब होगा जब सीएन चार होंगे। सीएन चार इसलिए क्योंकि एनआई टू प्लस होता है, सीएन माइनस वन होता है, तो चार सीएन होंगे तो ओवरऑल चार्ज माइनस टू बचेगा। जी। ये डी हो गया। फिर आपने के टू एन आई सी एन फोर
फोर के अंदर मजीद के सी एन डाला है, जिसके बाद के की तादाद दो से बढ़ के की तादाद तीन हो गई है। के की तादाद तीन होने का मतलब है अब इस पे चार्ज ई पर चार्ज थ्री माइनस है। तो चार्ज थ्री माइनस क्यों होगा जब निकल टू प्लस है, तो कितने सी एन लगाऊंगे चार्ज थ्री माइनस बचे, तो आंसर है पांच। पांच सी एन लगेंगे टू प्लस के साथ, तो थ्री माइनस चार्ज बचे बनेगा, तो ये ई का फॉर्मूला है। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट सवाल है आपका, तो क्वेश्चन फराज अहमद भाई पूछ रहे हैं, क्वेश्चन सिक्स बी पेज 17 है। अल्हम्दुलिल्लाह, जी फराज भाई ये वाला पार्ट पूछ रहे हैं आप? जी सर, इसमें पूछ रहे हैं कि डिस्क्राइब व्हाट ऑब्जर्वेशंस यू वुड मेक व्हेन KMnO4 इज एडेड स्लोली टू एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ FeSO4 अंटिल KMnO4 इज इन एक्सेस। पहले क्या होता है कि KMnO4 जो होता है ना वो पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है, अगर आप अपनी AS की केमिस्ट्री याद करें, ये जो पर्पल कलर का सॉल्यूशन इसमें भरा हुआ होता है, ठीक है, तो नीचे आपके पास जो होता है ना वो कलरलेस फ्लास्क को कलरलेस लिक्विड होता है नीचे, ठीक है। इसमें जब ये पर्पल कलर का ड्रॉप गिरता है ना शुरू में, तो वो गिरकर कलरलेस हो जाता है, कोई कलर नहीं आ होता, ठीक है। तो आप लिखेंगे इनिशियली द पर्पल कलर डिस अपीयर्स व्हेन मिक्स्ड, ठीक है, इनिशियली पर्पल कलर डिसअपीयर हो जाता है जब मिक्स करते हैं आप। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि ये होते 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 इसके अंदर एक पिंक सा शेड रुकना शुरू हो जाता है, और एक टाइम आता है कि फेंट पिंक कलर का हो जाता है, तो वो टाइम है कि आप कहते हैं रिएक्शन खत्म हो गया। तो आफ्टर सम एडिशन अ फेंट पिंक कलर परसिस्ट, ये होता है, ठीक है। अच्छा भाई, इसके बाद हमारे पास है मुबशर भाई। मुबशर भाई जरा माइक अनम्यूट कर लें। पेज 76 क्वेश्चन नंबर क्या है ये? पेज 76 पार्ट बी टू, पेज 76 बी टू। वालेकुम सलाम, पेज 76 जी। मुबशर भाई जरा देखते रहें कौन सा सवाल है। 76 ये है जी सर, ये इसके नीचे वाला पार्ट बी का टू टू, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जी जी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, तो समझ में नहीं आ रहा। बहुत अफसोस हुआ, बहुत दिनों से नहीं पढ़ा सर। तो ये बताएं, ये क्लास में आपने ये वाला आयन अभी बनाया है? जी सर। का नाम क्या है? इथेन डायोड, इथेन डायोएट। और ये भाई साहब कौन है? ब्यूटेन डायोएट। तो एथ में दो कार्बन होते हैं, तो ब्यूट में कितने होंगे? तीन होंगे, चार होंगे मेरे भाई, सॉरी हाँ चार, टॉप में होते हैं तीन। यहाँ तक समझ में आया आपको? जी सर। फिर आपको मजीद क्या फरमाना है, टू और थ्री पे क्या लगाने?
बोलो भाई, टू और थ्री पे क्या लगाने हैं? हाइड्रोक्साइड लगा दो, टू और थ्री पे दो हाइड्रोक्सी लगा दिए मैंने, बन गया ये, मुबारक हो। ओके सर, ठीक। और क्या था आपका? इसके बाद पार्ट डी था, 78 पेज जी। खुशबक आपने भी 76B2 पूछा है, समझ में आ गई आपको? जी खुशबक बाजी, समझ में आया जी सर। अच्छा, इसके बाद आपने पूछा है 78 का पार्ट डी पूछा है मुबशर भाई ने, पेज 78 ये आ गए हम 78 पे पार्ट डी। जी मुबशर भाई बताइए। सही नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड था पहले वाले से, वहीं से बंद हो गया दिमाग जी सर। ये तो बहुत सैड लाइफ सीन है यार तुम लोगों के साथ। चलो यहाँ देखो, प्लेटिन, सिस प्लेटिन याद है? जी सर, NH3। ये मैं सिस प्लेटिन बना रहा हूँ, यहाँ तक कोई इतराज है आपको? नहीं सर। आगे वो बोल रहा है इसको किससे जोड़ो, इससे, इथेन डायोड सर। इथेन डायोड, इथेन डायोड नहीं है ये, ये एक लिगेंड है। ओके ओके ठीक है, काइंड ऑफ इथेन डायोड है, मतलब अगर मैं इतना पार्ट काट दूं ना यहाँ से, ये पार्ट काट दूं, डब्बा हटा दूं जी सर, डब्बा हटा दूं और इस लाइन को इस लाइन से डायरेक्ट जोड़ दूं, इस लाइन को इस लाइन से डायरेक्ट जोड़ दूं, तो ये थिन डायोड है क्योंकि थिन डायोड ऐसा होता है। इथेन डायोड ऐसा होता है ना जी सर, तो ये इथेन डायोड बन जाएगा इतना हिस्सा जो मैं क्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, ये ना डब्बा फालतू में इसको थोड़ा मुख्तलिफ देखने के लिए बनाया है, ये इथेन डायोड जैसा ही इतना, सही है जी सर। ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ भाई, ये भाई साहब क्या है, यहाँ क्या हुआ इसके साथ बेचारे के साथ? सही, क्लोराइड निकल गया ना, मतलब कि प्लेटिन में से क्लोरीन निकल गया। ये मैंने इरेज कर दिया, क्लोरीन कर दिया, सही किया, इरेज कर दिया जी सर। तो यहाँ क्या बनाऊंगा बेटा मैं? ये डब्बा जोड़ने, दो डब्बे जोड़ने पड़ेंगे। डब्बा नहीं जोड़ूंगा, एक एक डब्बा जुड़ेगा, दो क्यों, ये बाइडेंटेड लिगेंड है। अच्छा अच्छा, इतना बड़ा बड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ है, बाय रिप्लेसिंग टू क्लोराइड आयंस विद द, तुम सिंगल हो ना जी सर, हाँ पहचानो, तुम्हारे लिए वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे आगे डब्बे बनाओ, बना लोगे ना डब्बे? जी जी सर, समझ में आ गया। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या सवाल है? बशीर भाई फारे हो गए, खुशबक बाजी ने पूछा है। अच्छा यूशा भाई का 79B है, खुशबक के सवाल पे अभी हम आ रहे हैं। 79B जी यूशा, कहाँ है 79? ये पूछ रहे हैं आप? नहीं नीचे वाला, हाँ ये जी, यही है ना। चले मैं मुलाइजा फरमाए कैसे सॉल्व होगा। ये क्या लिखा हुआ है, ये लाइन पढ़ के बताएं इसका मतलब क्या है। ये है सल्फर क्लोराइड है, उसका 0.3 मास है। ये सल्फर और क्लोरीन को मिला के कितना है? 0.303 ठीक है, एग्री जी। एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकलते हैं, हमें किसका मास चाहिए, सल्फर का मास चाहिए, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 32 से। क्लोरीन का मास चाहिए, उसको डिवाइड करेंगे किससे, पर हमारे पास इन दोनों का मास नहीं है क्योंकि ये जो मास है वो क्या है, दोनों का है। इस वजह से अब जो मैं रेड कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको फॉलो कीजिएगा, इस वजह से उसने क्या किया इसको कम्प्लीटली, बोलो भाई, हाइड्रोलाइज। उससे क्या हुआ, क्लोरीन एटम क्या बन गए,
क्या बन गए? क्लोराइड आयन, आयन क्लोराइड आयन। तो ये क्लोराइड आयन पता करने के लिए क्या इस्तेमाल किया गया बाद में? AgNO3। सबसे पहले हम निकालेंगे मोल्स ऑफ Ag पॉजिटिव। मोल निकालने का फॉर्मूला कंसंट्रेशन 0.05 इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000। बताओ भाई इनटू वॉल्यूम। ठीक है, ये सिल्वर के मोल्स हैं, क्लोराइड के मोल भी इतने ही होंगे क्योंकि इक्वेशन में मोल रेशियो क्या सेम। पर ये क्लोराइड के मोल कितने वॉल्यूम में? इन 25 cm3। क्यों कितने में? अब जो मैं पिंक कलर से बातें हाईलाइट कर रहा हूँ वो देखें, 25 cm3 में ये मोल, हमें किस में लेके जाने? 100 में। तो मोल्स ऑफ क्लोराइड इन 100 cm3। तो अपने इस आंसर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 425 जो है वो 4 टाइम्स कम है 100 से। क्या आंसर आया? 0.00448 इससे निकालो मास ऑफ क्लोराइड। मास ऑफ क्लोराइड, मास कैसे निकलता है? मोल 0.00448 × 35.5 मोल इनटू एआर। मास बताओ भाई। 0.16 ये किसका मास है भाई? क्लोरीन का। ये यहाँ रखेंगे तो सल्फर का मास कैसे आएगा? सल्फर का मास आएगा 0.303 − 0.16 डिवाइडेड बाय 32। क्लोरीन का मास आएगा 0.16/35.5 और यहाँ से आप आगे चले जाएंगे एम्पेरिकल पे। ठीक है, ठीक है, सही है, समझ गया भाई। किसी और का तो ये नहीं था। 79 जी खुशबक पूछ रही थी और शुमाइल भी पूछ रही थी। आप दोनों का ही क्लियर हो गया 79 बेटा? और अरीबा ने भी पूछा था। जी आप सब लोगों का ये 79 क्लियर हो गया? जवाब ही नहीं दे रहा भाई। शाबाश अरीबा बाजी और शुमाइल। चलें नेक्स्ट सवाल आपके पास है। इसके बाद 80 पर यूषा भाई कुछ पूछ रहे हैं। 80 पर जी यूषा भाई, 80 पे तो माइकिंग स्कीम है। क्या पूछ रहे हो यूषा भाई? 86 है, मैंने गलत पढ़ा है। 86 जी, ये रहा 86। बताइए सर, पार्ट वन तो हो गया था, सी का पार्ट वन हो गया था, पार्ट टू नहीं हो रहा था। पार्ट टू में कह रहा है ली चैटलियर प्रिंसिपल इस्तेमाल करो। ली चैटलियर प्रिंसिपल वही इक्विलिब्रियम वाला लॉ जो होता है, ठीक है, के AgBr को अगर आप कंसंट्रेटेड अमोनियम डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है? जरा यहां देखो बेटा, अमोनिया क्या करती है, किससे रिएक्ट करती है अमोनिया?
बोलो भाई। सिल्वर से तो अगर तुम्हारे पास एक बीकर है, उस बीकर में नीचे पड़ा हुआ है ए जी बी आर सॉलिड, ये ग्रुप 7 केमिस्ट्री है। ग्रुप 7 में आपको पढ़ाया था कि अगर आप सिल्वर ब्रोमाइड में अमोनिया डालें तो वो पार्शली डिजोल्व हो जाती है। यहाँ ये इक्विलिब्रियम से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा होता क्यों है। अब ये इक्विलिब्रियम चल रहा है इनके बीच, ये मैंने ये वाला लिख दिया है यहाँ पे, कोई इतराज यहाँ तक समझ में आई बात? नहीं आगे अबे आगे ये घूम रहा। ये इक्वेशन बनाई है बस मैंने, दो आयंस एक्वस घूम रहे अंदर पानी में, एक नीचे बेचारा सॉलिड पड़ा हुआ है, ऐसे ही होगा ना देखने में, तो ऐसे ही लगेगा ना रियलिटी में। ठीक है अब अगर इस बीकर में तुम क्या डाल दो भाई? NH3 अमोनियम। तो वो इन सब में से तीन चीजों में से किससे रिएक्ट करेगा? Ag+ वो Ag+ से रिएक्ट कर जाएगा। अब ऊपर वाले इक्विलिब्रियम में से जरा Ag+ माइनस कर दो, Ag+ को गायब कर दो, तो इक्विलिब्रियम के साथ क्या होगा? इक्विलिब्रियम 1 के साथ गिर जाएगा। अबे गिर के कहाँ चले जाएगा, दफन हो जाएगा। अबे भाई लेफ्ट पे जाएगा, राइट पे जाएगा, क्या होगा? प्रोटॉन कम किया है ना, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? पढ़े लिखे अल्फाज हाँ इस्तेमाल, तो गिर के कहाँ जाएगा? लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अबे जिस साइड की कंसंट्रेशन कम करते हैं वही साइड फेवर होती है, इक्विलिब्रियम राइट पे जाएगा। सिल्वर आयंस कम हो गए ना बेटा, सिल्वर आयन रिमूव हो गए। किसने रिमूव किया सिल्वर आयन को? अमोनिया ने। जिस साइड की कंसंट्रेशन कम होगी इक्विलिब्रियम वहीं शिफ्ट होगा। तो राइट पे शिफ्ट होने का मतलब क्या है, फिजिकली मतलब क्या है? यहाँ बीकर के अंदर क्या दिखेगा तुम्हें होता हुआ? बीकर में सॉरी डिसअपीयर हो जाएगा। सॉलिड डिजोल्व हो जाएगा क्योंकि राइट साइड पे एक्वस आयन है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप सिल्वर ब्रोमाइड में अमोनिया डालें तो पार्शली सॉल्यूबल हो जाते हैं प्रेसिपिटेट्स, तो इस इक्विलिब्रियम की वजह से। ये आप वहां लिखेंगे। ठीक है भाई, यहाँ लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू दी राइट राइट क्योंकि सिल्वर आयन डिक्रीज हो गए हैं। अच्छा जी, शुमाइल का भी मसले हल हो गए। खुशबक बाजी ने पूरी माशाल्लाह से, उनके भी खैर बहुत सारे मसले हल हो गए, कुछ कॉमन मसले हैं कुछ लोगों के। बहरहाल अब हम आते हैं, अरीबा ने 68 का F2 पूछा हुआ है। जी अरीबा बाजी, 68 F2, बहुत पीछे है ना वो 68 के लिए। 68 F2 पे आ जाए भाई। जी अरीबा, माइक अनम्यूट करें बेटा। माइक अनम्यूट करें। हेलो अच्छा ठीक है भाई, इसका काम ऐसे होगा कि जिरकोनियम पे +4 का चार्ज है Zr4+, फिर चार इथेन डाइट लगने वाले हैं इसके साथ, चार लगने वाले हैं C2O4 2-, तो 2- वाले चार लगने वाले हैं, 4+ वाला एक है, तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा Zr1 C2O4 वाले भाई चार, तो ओवरऑल चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -8 और यहाँ रहेगा 4+, जिसकी वजह से नेट रिजल्ट आएगा -4। तो ये तो हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मूला। उसके बाद वो पूछता है कि ये ऑक्टाहीड्रल क्यों नहीं है, क्योंकि भाई ऑक्टाहीड्रल के लिए जिरकोनियम भाई के आसपास 6 डेटिव बॉन्ड होना चाहिए। ऑक्टाहीड्रल में 6 डेटिव बॉन्ड, और 6 डेटिव बॉन्ड के लिए आपको 3 C2O4 2- चाहिए, क्योंकि एक C2O4 2- बाइडेंटेट है, एक दो बनाता है, तो 3 6 बनाएंगे,
यहाँ पे चार लगे हुए हैं तो चार तो भाई आठ बॉन्ड बना देंगे, तो आठ डेटिव बॉन्ड वाला ऑक्टाहीड्रल नहीं होता, छह डेटिव बॉन्ड वाला ऑक्टाहीड्रल होता है। अब आप ये अंग्रेजी में ये लिखेंगे कि उसके अंदर चार बाइडेंटेट लिगेंड लगे हुए हैं, लिहाजा उसके आठ डेटिव बॉन्ड होंगे, ऑक्टाहीड्रल में छह डेटिव बॉन्ड होते हैं, लिहाजा ये ऑक्टाहीड्रल नहीं है। ठीक है रीबा? अच्छा जी, मोस्ट प्रोबेबली आज तक के मेजॉरिटी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए हैं, बाकी इंशाल्लाह जो छोटे मोटे हैं वो कल आप क्लास में लाके स्टार्ट में बच्चे पूछ लें, तो ये टॉपिक ऑलमोस्ट वाइंड अप है, कुछ छोटे मोटे जो रह गए हैं वो मुझसे कल पूछ लीजिएगा। सही है, कोई क्वेश्चन रहता तो नहीं अभी किसी का? अगर आपके प्रॉब्लम्स हो गए हैं तो आप लीव कर दें बेटा मीटिंग, और आप समझते हैं एक छोटा मोटा है कल आके पूछ सकते हैं, कल पूछ लीजिएगा। आई गेस नहीं है किसी का सच मसला। चलें भाई, फिर अल्लाह हाफिज़, कल मुलाकात होती है।